जब सभी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती है और गाड़ी में लॉक हो जाने के कारण अभी इंसान भी उसकी मदद नहीं कर पाता है और लगभग उसकी जान जाने वाली होती है, तो ये अपने दिमाग से सूझबूझ से कैसे भी उसको बचाने की कोशिश करता है और फाइनली सफलता भी मिलती है जो सच में काफी बेहतरीन होती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये हॉस्पिटल से होती है, यहाँ पे सभी जब नोटिस करती है कि कितनी केयर करता है इंसान, और जब भी नर्स आकर बताती है कि इंसान हमेशा हफ्ते में बार बार फोन करते हैं और हरिणी का खबर लेते रहते हैं और वो पूछते हैं बताते हैं और कैसे कैसे क्या करना है ये सभी चीजों के बारे में हमें इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तो सच में इस चीज को जानने के बाद उसे बहुत अच्छा भी लगता है और फाइनली उसके दिल में जो इंसान के लिए प्यार होता है ना डबल हो जाती है। यहाँ ज्यादा फैसला करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है और फाइनली इसके हालात में सुधार आ रहा है और फाइनली हरिणी ठीक हो रही है तो अब हमें यहाँ निकलना चाहिए, लेकिन इंसान को भी सिर्फ एक ही बात याद आ रही होती है जो हरिणी उससे वादा लिया है कि अब कभी भी सभी को ये नहीं बताइएगा गोली आप पे चला रहा था वो जो गुंडा था। अब यहाँ पे ये बातें तो छिपाना चाहता है, गाड़ी से तो निकल जाते हैं, हालांकि ये जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में बारिश भी होती है, मोमेंट बहुत अच्छा बनता है, सावी तो चुपचाप होती है और सिर्फ एक एक्टर से सिर्फ इंसान को दिख रही होती है। तब तक तो गाड़ी खराब हो जाती है और बारिश का मौसम भी होता है, जैसे गाड़ी से निकलता है तो गाड़ी तो लॉक हो जाती है, चाबी हालांकि इसके पास में होता है और जब देखता है कि यार गाड़ी खराब हो चुकी है और हमें मैकेनिक को बुलाना ही होगा तो फोन तो अंदर होता है और सिग्नल भी नहीं होता कि ये फोन कर सके, लेकिन चाबी इसके पास में होती है और जैसे जाता है दरवाजा खोलने के लिए ना तो वो चाबी गटर में गिर जाती है। अब बेचारा परेशान कि क्या करे, सावी को जब बातें पता चलते हैं तो बहुत ज्यादा वो पैनिक करने लगती है, उसको तो समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। अब यहाँ तो जान बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ किसी मैकेनिक को देख करके यहाँ लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहो। जब अंदर होती है अकेले तो बीते हुए जो भी अतीत है ना वो फिर से रिपीट होने लगती है कि अकेले जब साई के साथ में थी और वो बॉम्ब ब्लास्ट प्लेन में, जब हॉस्टल में कुछ लड़कों ने इसको बंद कर दिया था, ये सारी चीजों को सोच करके ये बहुत ज्यादा डर जाती है और ये पूरा चिल्लाने लगती है कि मेरी मौत होने वाली है, मैं मर जाऊं, मेरी सांस फूल रही है। अब जैसे ही ये इंसान को पता चलता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो इसकी जान कैसे बचाए, शीशा तोड़ नहीं सकता, बहुत महंगा है ना भाई, फिर से पैसे लग जाएंगे, गाड़ी BMW होती है। अब यहाँ पे ना वो बोलता है कि ठीक है, इसको शांत कराने की कोशिश करता है, इसको गाने गाने को सुनाना चाहता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं मरने वाली हूँ, मैं ऐसी हालत में गाना नहीं गा सकती। वो बोलता है कि तुम्हें गाना ही होगा। अमिताभ चारी कहने लगता है और कैसे भी करके इसे बस बातों में डाइवर्ट करता है ताकि ये थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, और ऐसा होता भी है। फाइनली वो पैनिक से थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि बारिश होती है और रात भर इंसान बाहर ही रहता है और ये गाड़ी के अंदर बांध जाकर के बेचारे की तबीयत खराब होगी, लेकिन अब जब सुबह हो जाती है तो ये मैकेनिक को भी लेकर के आता है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इस चीज को देख करके सावी को और ज्यादा ही प्यार हो जाता है कि मतलब पूरी रात बारिश में ये बाहर भीगता रहा और मैं अंदर, सच में। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट इसका भी नहीं होता है। मतलब आज ना कई सारे सोच के पोस्ट क्रेडिट ही नहीं है। अब हो सकता है कि हमें सबके एक साथ में नए नए प्रोमोज देखने को मिले, क्योंकि अगर प्रोमोज नहीं होंगे तो आने वाले एपिसोड जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे ना कि आखिर बवाल क्या होने वाला है और कौन सा नया मजेदार चीजें होने वाली है। और वैसे भी वही सुलेखा की तो प्लानिंग है कि हरिणी अगर मर गई तो सावी तो घर पर रह जाएगी, तो हमें हर हाल में उसको बचाना होगा। लेकिन अब देखते हैं लोग कि सच्चाई कब तक सामने निकल करके आती है कि आखिर ये सब जो तमाशा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है और क्या बवाल होने वाला है। जो भी चीज़ होगी नेक्स्ट लेवल और मजेदार होगी, तो उम्मीद करते हैं लोग एक्स्ट्रा प्लॉट हमें भी जल्दी से देखने को मिल जाए ताकि विस्तार से बातें करेंगे ना कि यार अब क्या होगा।